So hey guys, it's SM and welcome back to another vlog. Yo. So all right guys, जो साइकिल गिर गई थी मैंने उसे उठा ली है और अपने व्लॉग को भी अपन स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली गाइस थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है किस टॉपिक पर नहीं है। सो ये जो मतलब टेंपल है जो आने वाला था वो ये वाला टेंपल है, ये देख सकते हो आप यहाँ से पूरा इधर तक, ये पूरा का पूरा टेंपल है और यहाँ पर हम शूट करने वाले इसको मतलब इस टेंपल को अपने को एक्सप्लोर करने में, कवर करने में 2 दिन लग जाएंगे, आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि अभी हम आए तो बहुत ज्यादा शाम हो गई थी तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर बहुत देर लगने वाली है। तो अभी मंदिर थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और देखते कितना शूट हो पाता है कितना नहीं हो पाता, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितनी क्लिप हमने किस टाइम में शूट किया, किस दिन में शूट किया और किस टाइम में नहीं शूट की। सो वही चलते और देखते हैं। यो सो गाइस ये डे 2, कल वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरा ही हो गया था, लेकिन अभी आज पूरा मंदिर अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वही सो अंदर चलते और देखते हैं। फाइनली एक बात आपको बता दूं पहले ही कि ये जो बाहर से जो दीवार वगैरह दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी मतलब पत्थरों से बनाई है और ईंटों से बनाई है। सो अभी अंदर में चलते और देखते कैसा लुक है कैसा लुक नहीं है। स्टार्टिंग में मैं आपको पहले सिनेमैटिक दिखा देता हूँ, पहले बाहर के सिनेमैटिक, फिर उसके बाद अंदर में चलते हैं। सो वही तो गाइस ये था एंट्रेंस जहाँ से अपन अंदर आए और यहाँ का जो लुक है बहुत अजीब सा लुक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कवेल है, मराठी में कवेल बोलते हैं जहाँ पर मतलब झोपड़पट्टी टाइप जो करते थे, वैसा पूरा ना यहाँ पर बनाया हुआ है। सो ये था एंट्रेंस का लुक और यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह भी लगाए हुए, आप जाओ उसे सिनेमैटिक में देखो। सो हुआ ही तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ मेन चीज जिसके लिए हम अंदर आए थे। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फाइनली लाइट थोड़ी है तो उसको मैं कम कर देता हूँ। ओके सो लाइट को ओके लाइट हो गई बैलेंस। सो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो टेंपल है, मेन जो टेंपल है, ये पूरा का पूरा टेंपल एक स्टोन के ऊपर बनाया गया है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्टोन लाया उसको फिट गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक स्टोन है और इससे ये बनाया गया है। अगर इसका प्रूफ आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये पूरा का पूरा देख सकते हो आप, ये पूरा एक स्टोन है और इस स्टोन पे पूरा का पूरा मतलब मंदिर खड़ा हुआ है। सो ये इसकी हिस्ट्री है, मतलब खास बात है इस मंदिर की। और यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी से है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं बता पाऊँगा, आपको मैं सिनेमैटिक में दिखा देता हूँ। सो जाओ और सिनेमैटिक में देखो, और उसके साथ साथ जो मूर्तियाँ वगैरह भी लगाई हुई है इस टेम्पल के बाहरी हिस्से पे, वो भी आप देखो। सो वही गाइस अभी जो आपने ये जो देखा, ये पूरी मंदिर की बनावट जो कि अभी अभी आपने सिनेमैटिक में देखी है। सो अभी अपन मेन अंदर एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस तो आ गया, मतलब अभी जो मेन मंदिर है मतलब जो अंदर का है हिस्सा वगैरह मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ रूम्स वगैरह है जहाँ पर पहले के ज़माने में लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अभी कुछ थोड़ा टूटा फूटा सा है, लेकिन पुराना इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सो अभी अपन अंदर भी चलते और देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैं वहाँ से यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ और क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ दिखाना था आप लोगों को, फिर उसके बाद उधर में चलते, तो देख सकते हो आप इधर से मैं ऊपर आ गया और सीन्स कितना माहौल है यहाँ पर, पूरा रिवर वगैरह दिखता है इस साइड का उस साइड का वगैरह, और ये मंदिर ऐसा है सो आप देख सकते हो। और देखते हैं बाल कुछ ख़राब हो गए यार। हाँ तो यहाँ पर एक रूम है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा था थोड़ी कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर गड्ढे गड्ढे पड़ चुके हैं, मतलब कुछ दिनों मतलब कुछ महीनों पहले गड्ढे गड्ढे पड़ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ अलग ही सीन है भाई साहब, ये कितना अच्छा है यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कुछ हाथों से बनाए हुए वगैरह स्टोन का है जो कि एक पूरा का पूरा स्टोन है, लेकिन उसके ऊपर एक कलश है आप देख सकते हो, ऊपर में सबसे ऊपर में दिख रहा हूँ आपको एक कलश है, वो पूरा का पूरा सोने का बनाया हुआ है। तो फिर वो आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, सो जाओ और देखो। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये पूरा का पूरा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, कितना बहुत सही माहौल लग रहा है भाई साहब, बहुत ही ऑसम लग रहा है। और उसके ऊपर का जो मैंने बोला था ये आप देख सकते हो, मेरा हाथ थोड़ा शेकी हो रहा है, हाँ तो ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सोने का है
और वहाँ पर एक छोटा सा होल देख सकते हो आप। वो छोटा सा होल क्या है कि जब ये पूर्णिमा वगैरह रहती है ऐसा कुछ दिन नहीं क्या, तो वहाँ पर दिया लगाया जाता है उस होल में, और वो पूरा का पूरा सोने का है भाई साहब, इतना बड़ा सोने का, समझ सकते हो आप। लिटरली मेरा हाथ थोड़ा शेक हो रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा हिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन अंदर में चलते और देखते हैं कैसा लुक आता है कैसा लुक नहीं आता है, और जो हिस्ट्री है इस पूरे टेंपल की वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख लो और कैसा है मंदिर और क्या क्या है इसमें, वो सब आप यहाँ पर देख लो। फिर उसके बाद हिस्ट्री जो होंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा एंडिंग में, और धूप बहुत ज़्यादा इधर में। सो सबसे पहले तो इधर में कुछ और एरियाज वगैरह है, इधर में मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इधर में कुछ एरियाज वगैरह है, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से बंद किए हुए हैं, क्योंकि उधर में बाद में सांप के अंडे वगैरह पिल्ले वगैरह मिल गए थे, उसकी वजह से फिर उसको बंद कर दिया गया है। तो इधर में जाना मना है, सो मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे टाइप के है। तो यहाँ पर क्या करते थे पुराने ज़माने में, गाय वगैरह बांधा करते थे यहाँ पर, जो लोग रहते थे वहाँ पर गाय वगैरह थे उनकी, ये गाय वगैरह बांधा करते थे। तो अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मंदिर बंद है, ये कभी कभी खुलता है मंदिर, ऐसा ज़्यादा खोला नहीं जाता है। तो जो है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो जब हम यहाँ से आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मंदिर है पूरा, ये मंदिर है, और हमारा जो मेन जो मंदिर है वो अंदर है, लेकिन ये उसका स्ट्रक्चर है बाहर का। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मंदिर के अंदर कुछ होल्स है, ये होल्स किसके मतलब किस टाइप के होल्स है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होल्स आपको चार देखने को मिलेंगे, वहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो ये क्या है, ये खिड़कियाँ है, अंडरग्राउंड रास्तों के खिड़कियाँ, जो कि पौनी में बहुत जगह आपको देखने को मिलने वाली है। और इस टेम्पल में अंडरग्राउंड रास्ते मतलब जो अंडरग्राउंड रास्ते है ना पौनी में, उसके कुछ जो खिड़कियाँ वगैरह है वो इधर से ही निकलती है, जहाँ पर हवा वगैरह जाती है वो यही है। तो अभी इधर से अंदर में चलते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ है, यहाँ से अपन अंदर में चलते हैं। और यहाँ से अपन जाएंगे तो मेन मतलब मंदिर में नहीं जाएंगे, ये बस बाहरी स्ट्रक्चर है, मतलब बाहरी जो रहने का मतलब बैठने का वगैरह वो वाला है, और लाइट का कुछ अलग ही सीन आ रहा है। ओके, सो अभी लाइट पहले सो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे अपन अंदर आए तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे खंभे वगैरह देखने को मिलेंगे। ये जो खंभे ये पूरे के पूरे साग के पेड़ से बनाए हुए हैं, साग यानी बहुत ही महंगा पेड़ होता है, मतलब उसका जो खोड़ बोलते हैं लाखड़, वो बहुत ही महंगा होता है, और उससे ये सभी यहाँ पर बनाए गए। तो जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा मंदिर है करोड़ों का तो होंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मली नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे अपन यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, उसको कुछ अलग ही मतलब सीन दिया गया है। तो ऐसे कुछ कलाकृतियाँ वहाँ पर की गई है, लेकिन गाइस उसके बाद यहाँ पर जो देखने को आपको मिलता है वो एक सीन है, जैसे कि मतलब यहाँ पर पेंटिंग्स से बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हुई है, ये देख सकते हो आप इधर में बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हुई है। ये पेंटिंग्स पुराने ज़माने में बनाई गई थी और ये अभी भी है यहाँ पर लगाई हुई, और इनमें से एक और पेंटिंग है जो कि पूरी ख़राब हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, ये जो पेंटिंग है ये पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। और ये पेंटिंग शायद से मैंने वहाँ पर मतलब हाँ मैंने वहाँ पर पढ़ा, ये जो पेंटिंग है ये 1901 में बनाई गई थी, मतलब 1901 में बनाई गई थी, और ये ख़राब हो चुकी है अभी। और ये एक जो पेंटिंग है बहुत ऑसम पेंटिंग है, वो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस ये वाली पेंटिंग बहुत ही ऑसम है, ये यहाँ की सबसे पुरानी पेंटिंग है, लेकिन ये वाली पेंटिंग अभी भी टिकी हुई है। ये पेंटिंग पूरी की पूरी नेचुरल कलर से बनाई हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं, और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है यहाँ की, और पौनी में इससे पुरानी पेंटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको देखने को। सो गाइस ये तो पेंटिंग वगैरह हो गई है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है जो पौनी वालों के लोग होंगे जिनको पता है, लेकिन बाकी लोगों को या बाहर के लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि अपन आ गए तो इधर में देख सकते हो एक स्तंभ है यहाँ पर, जिसको गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है गरुड़ स्तंभ। ऐसे गरुड़ स्तंभ आपको पौनी में बस 25 देखने को मिलने वाले हैं, और इस गरुड़ स्तंभ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है हमारी इधर में, मतलब पैसे में वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी कीमत बहुत है, क्योंकि क्या है ना ये बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी, जब हमारे पौनी में किला बनाया गया था, किले की वीडियो आने वाली है। किला बनाया गया था उस टाइम में, ये गरुड़ स्तंभ बनाए गए थे, और बस 25 ही गरुड़ स्तंभ बनाए गए थे। और ये गरुड़ स्तंभ ये दर्शाते हैं कि मतलब चौक रहते हैं ना अपने शहर में वगैरह, चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसको चौक बोलते हैं, तो वैसे दर्शाते हैं उस टाइम में जो चौक थे
वहाँ पर ये बनाए गए थे, और ऐसे अगर बनाने जाओगे ना भाई साहब अभी तो बहुत मतलब बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाथों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। और मैं आपको वो बैक कैमरे से सिनेमेटिक में दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा टेम्पल मतलब अभी जो अपन ने देखा रहा ये वाला, ये भी आपको सिनेमेटिक में दिखाता हूँ। सो जाओ और देखो। दो चीजें आपको दिखाई नहीं रह गई थी, एक तो आपने उधर में वो वाली जो पेंटिंग देखी, और उसके साथ साथ और एक पेंटिंग है जो कि आपको दिखाई नहीं रह गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखो, यहाँ पर और एक पेंटिंग है जो कि आपने सिनेमैटिक में देखी होगी। ये पेंटिंग मेरे को लगता है जब वो बनाई थी उसी टाइम की ये वाली भी पेंटिंग है। सो ये दोनों पेंटिंग है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो गरुड़ स्तंभ है ना, उसको गरुड़ स्तंभ क्यों बोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो भी बैक कैमरा से, बैक कैमरा से। सो गाइज, इसको गरुड़ स्तंभ बोलने का रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मूर्तियाँ, ये है गरुड़, मतलब गरुड़ भगवान बोलते हैं उसको, उसकी ये मूर्तियाँ यहाँ पर। और उसके साथ साथ नीचे भी आप देख सकते हो उन्हीं की यहाँ पर आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी नीचे में, लेकिन ऊपर में, इससे ऊपर में और जो मूर्तियाँ है वो दिख नहीं रही मेरे को कैमरा में, लेकिन और जो मूर्तियाँ वो भगवान की वगैरह है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गरुड़ की है मूर्तियाँ, इसकी वजह से इसको गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। गाइज, अगर आपको कभी भी पवनी में गरुड़ स्तंभ जी की है तो उसके पास ऐसी मूर्ति आपको देखने को मिलने वाली है। ये है गरुड़ देव भगवान बोलते हैं उसको, उसकी मूर्ति है ये वाली। सो ये ऐसी मूर्ति आपको गरुड़ स्तंभ के पास देखने को मिलने वाली है। सो गाइज, ये वाला जो आपने अभी भी देखा, ये सब कुछ बैठने का वगैरह मतलब सीटिंग का वगैरह है अरेंजमेंट का। और इधर में ये है अपना मेन मंदिर, तो इधर को अपने को चलना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन वगैरह भी की गई है यहाँ पर, ये देख सकते हो ऐसे। और ये भी पूरे स्टोन का ही है बनाया हुआ, ऐसा नहीं सीमेंट वगैरह, पूरा स्टोन का बनाया हुआ है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इधर में आते हैं, ये मंदिर तो अंदर में है लेकिन आते ही इधर दो साइड में दो मंदिर है, इधर भी आप देख सकते हो, इधर में एक मंदिर है और इधर एक मंदिर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इधर का मंदिर दिखाता हूँ, चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस, मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर इको बोल ज़्यादा है क्योंकि ये स्टोन का है और पूरा घेरा हुआ है, तो यहाँ पर इको बोल ज़्यादा है। और गाइस, यहाँ पर अपन अंदर आते ही यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दिनों पहले खुदाई वगैरह भी की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टोन मिला है यहाँ पर। ये जो स्टोन है वो यहाँ पर अभी भी कुछ दिनों की खुदाई में मिला था। और उसके साथ साथ जो मंदिर है इधर में गणेश जी का मंदिर है, मैं आपको बैक कैमरा से अच्छे से दिखाता हूँ। गाइस, ये देख सकते हो आप गणेश जी का मंदिर, और इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक स्टोन है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हनुमान जी का मंदिर जो कि अभी भी मैंने आपको दिखाया है। सो गाइस, ये पार्ट तो आपने देख लिया है, मैं आपको अभी दूसरा वाला पार्ट दिखाता हूँ जो कि अपने को देखना है उधर में, मतलब सामने में। तो उधर में चलते और देखते कैसा है, कैसा लुक नहीं है, तो फिर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मशाल देखने को मिलेंगी, ये रही मशाल, और ये बहुत पुरानी मशाल है, जब से यहाँ पर ये टेम्पल बना हुआ है तब से ये मशाल यहाँ पर खड़ी हुई है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फिर से मेरे को डबल करना पड़ेगा उसकी वजह से, आपको बैक कैमरे से देखो। सो वही, तो कैसे ये रही हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप ये नंदी जी की यहाँ पर मूर्ति हो रही है, ये मेरे को लगता है अभी अभी लगाई है, ये दोनों वाइट स्टोन वाले। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में यहाँ पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगी, और उधर में ये जो है ये गणेश जी का है, वो विष्णु जी का, और वो नागदेव बोलते हैं उसका। और एक खास बात वाइस बताता हूँ, कुछ दिनों पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी, उससे मतलब वहाँ पर एक स्टोन मिला, और ये देखो गाइस यहाँ पर और क्या मिला, ये और एक यहाँ पर मिला यार, ये धुआं आ रहा है कहाँ से वो देख सकते हो आप, वैसा कुछ यहाँ पर मिला है, फोकस नहीं हो रहा यार मेरा। हाँ, अभी देखो ये यहाँ पर मिला कुछ दिनों पहले, यहाँ पर कुछ खुदाई की गई थी, और उस टाइम में वो पत्थर मिला था जिस पर कुछ लिखा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आया। और इधर में वो देखा आपने वो नाक का ऐसा वाला, वो ऐसा कुछ है, और वो बहुत हॉरर है गाइस। मैं अभी यहाँ पर सुबह के टाइम में आया हूँ, और शाम के टाइम में यहाँ पर 6 बजे के बाद आना शायद से, मतलब मैं सूरज ढलने के बाद आना,
बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक का वगैरह भी बहुत डर है। वो मैं आपको एंडिंग में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। सो अभी अपन जो मेन मंदिर है वो देखते हैं। मैं सबसे पहले मंदिर इनका था, ये मालिक थे इस मंदिर के। फिर उसके बाद ये आए विट्ठल काड़ीकर, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये लो, ये है विनायक विट्ठल काड़ीकर, तो इनका फिर उसके बाद मंदिर हो गया है। और अभी शायद से किसका है मेरे को पता नहीं, लेकिन काड़ीकर का ही मंदिर है। सो गाइज, ये रहा अपना मेन मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर में, ये ऊपर में गणेश जी है, और गणेश जी हमारे इधर में बहुत शुभ होते हैं मराठी लोगों के लिए में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मूर्तियाँ है, यहाँ पर कलाकृति वगैरह की गई है। नीचे में भी है और यहाँ पर भी है, ये आप देख सकते हो। कौन सा फाटक? ये वाला फाटक, ये देख सकते हो आप। बाबा हमको ये फाटक खोल के दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हम दिखा पाएंगे करके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ सीन से। यहाँ पर अंदर में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ की चाबी मतलब खोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अंदर में आप देख सकते हो कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। तो मैं इससे ज़्यादा आपको ये वाला दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ की चाबी जो है वो लॉक करके रखा हुआ है, और इसकी चाबी बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास। सो वही गाइस, अभी बाबा जी ने मेरे को एक बात बताई। इस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रखा हुआ था पार्ट, और उसके नीचे आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक पाइप है। जब भी पूर्णिमा वगैरह के दिन आते थे, यहाँ पर से पानी निकाला जाता था, मतलब निकलता था। अभी पता नहीं, अभी बंद है। सो कुछ अजीब टाइप का हो चुका है ये। सो कोई बात नहीं, मंदिर के सामने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कुछ क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉइन्स, ये चांदी के वगैरह कॉइन्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, और वो भी बहुत पुराने ज़माने के। और कुछ कुछ दिख रहा है इन कॉइन्स पे, और मेरे को लग रहा है ये मतलब शिवाजी महाराज के ज़माने के, या कुछ उससे भी पहले वाले यहाँ पर है ऐसे, देख सकते हो आप। और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक। बस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ रास्ते है, और ये जो रास्ता है वो नीचे जाता है, नीचे में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलना है अपने को इधर से, और दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर वो रास्ता जाता है। यहाँ से नीचे में आप देखोगे तो कुछ अलग ही सीन देखने को मिलेंगे। दिख रहा है या नहीं तो मेरे को नहीं पता। देख सकते हो आप, सीढ़ियाँ वगैरह है वहाँ पे अंदर जाने की, और बहुत बदबू आ रही है गाइस वहाँ से, कुछ मरा लगता। और यहाँ से आप देख सकते हो ये खिड़कियाँ अंडरग्राउंड जो है, यहाँ से पाइप वगैरह डाला है। अभी क्या है कुछ सीन्स कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से अंदर जाने के रास्ते है। तो गाइस अभी अपन मेन टॉपिक पे आते, जो कि मैंने थंबनेल में डाला था स्नेक वगैरह करके, ऐसे नहीं कि खजाना। तो गाइस ये सच बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेजर है पवनी में, और वो कहाँ पर है, अंडरग्राउंड रास्तों, यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो रास्ते निकलते हैं पवनी में, यहाँ पर पूरे पवनी में आपको अंडरग्राउंड रास्ते देखने को मिलेंगे, और वहाँ से एक रास्ता निकलता है जहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है। सर्च वगैरह की गई है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है वो, और अंदर के रास्तों में अभी तक कोई जा भी नहीं पाया है, सर्च टीम वगैरह भी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो मंदिर है, शायद से बोला जाता है कि इस मंदिर में भी ट्रेजर है, तो उसकी रक्षा करने के लिए, मतलब रक्षा ऐसा बोला जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक स्नेक रहता है जिसका नाम भुजंग है, जो कि बहुत बड़ा होता है। शायद से वो 22 फीट इतना बड़ा है, और बहुत अच्छा है, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, जिन मतलब ऐसा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आगे का मेरे को कुछ पता नहीं है, तो बस जितना मेरे को मालूम था उतना मैंने बता दिया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब के बटन को चप्पल फेंक के मारो या पत्थर, मेरे को नहीं पता, लेकिन दब जाना चाहिए। अपने को 100K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दी से पूरे करने, फिर बड़ा वाला सेलिब्रेशन करेंगे। सो वही, तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है।